आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान गौतम गंभीर ने कहा है कि सुकमा में शहीद हुए 25 सीआरपीएफ जवानों के बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएंगे। गौतम ने एक अंग्रेजी अखबार में कॉलम में लिखा है कि वो सुकमा में शहीद हुए 25 सीआरपीएफ जवानों के बच्चों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने को तैयार हैं। गंभीर ने लिखा है कि बुधवार सुबह जब उन्होंने अखबार पढ़ा तो उनकी नजरें दो तस्वीरों पर पड़ी, जिनमें एक तस्वीर में एक बच्ची अपने शहीद पिता को सलामी दे रही थी तो वहीं दूसरी तस्वीर में शहीद की पत्नी को उसके रिश्तेदार संभालते हुए नजर आ रहे थे। इन दो तस्वीरों को देखकर गौतम गंभीर काफी परेशान हुए और उन्होंने सभी जवानों के बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि इन बच्चों की पढ़ाई का खर्च गौतम गंभीर फाउंडेशन उठाएगा। गंभीर ने कहा है कि उनकी टीम ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। गंभीर ने बताया कि वो इस खबर को पढ़कर इतने आहत हुए कि वो मैच में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। गौरतलब है कि बुधवार रात को राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में गंभीर ने कलाई में काली पट्टी लगाकर सीआरपीएफ जवानों को सम्मान दिया।